पर फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के जो हम MCQs की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो फिजिकल एजुकेशन का जो ये सब्जेक्ट है इसी दिन और इसी टाइम पर आपको क्या है, ये आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है इसकी वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई मेरी मदद की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है अंतर्गर्भाशयी यानी कि इंट्राम्यूलर, इसे इंट्राम्यूलर कहा जाता है। तो इंट्राम्यूलर कार्यक्रम छात्रों में डैश की भावना पैदा करता है। इंट्राम्यूलर होता क्या है? जैसे इसके नाम से पता चलता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर। तो म्यूलर का मतलब होता है चार दीवारी। तो इसका मतलब हुआ, अगर इन दोनों शब्दों को मिलाकर देखें इंट्राम्यूलर, तो इसका मतलब हुआ चार दीवारी के अंदर। तो ऐसे खेल जो चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, यानी कि जो चार दीवारी का मतलब है जो स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर जो खेल खेले जाते हैं जिनकी प्रतियोगिता होती है उसे इंट्राम्यूलर कार्यक्रम कहा जाता है। तो ये जो इंट्राम्यूलर कार्यक्रम है वो छात्रों में किस चीज़ की भावना को जगाता है? पहला यहाँ पर ऑप्शन है भाग्यदारी और उपलब्धि, दूसरा उपलब्धि, तीसरा अनुशासन और चौथा हास्य और सम्मान। तो यहाँ पर आपको एक काम और करना है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। और आंसर लिखते टाइम आप एक काम और करिएगा कि आप आंसर लिखें तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा गया है यहाँ पर ऑप्शन उसका पूरा का पूरा नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे समझने में आसानी रहेगी कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर भागीदारी और उपलब्धि होगा। इंट्राम्यूलर कार्यक्रम के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं वो डरते हैं स्कूल से बाहर जाकर खेलने के लिए, वो डरते हैं कंपटीशन के लिए, तो उनके अंदर क्या होता है भागीदारी, अपने स्कूल के अंदर ही क्या कर लेते हैं वो प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। तो भागीदारी होती है इनसे छात्रों की खेलों में और इससे क्या होता है उनका जो मनोबल होता है कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। तो अगर वो जो है इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता में जीत जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो बाहर भी जा सकते हैं प्रतियोगिताओं के लिए। तो भागीदारी बढ़ती है इससे। और दूसरा उपलब्धि भी इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, जीत जाते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है उनका। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, भूखमरी के दौरान शरीर का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन लगभग कितने समय तक संचित रहता है? भूखमरी यानी कि जब व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाता तो उसके अंदर जो पहले खाया हुआ है उसने जो भी भोजन, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने टाइम तक क्या है उसकी जो भूख है उसे सहन करवा सकता है, यानी कि भूखमरी के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने समय तक रहता है शरीर के अंदर? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 24 घंटे, दूसरा 3 दिन, तीसरा 4 दिन और चौथा 72 घंटे। तो जो 24 घंटे तक 24 आवर तक ही क्या होता है, जो भूखमरी के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर के अंदर रहता है। तो ए वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा और ये चैप्टर आपका 2 से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लीजिए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये आपका चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक तो सॉफ्ट टिश्यू होता है एक हार्ड टिश्यू होता है, तो जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है यानी कि जो चोट लगती है शरीर में, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनमें जो चोट लगती है उनमें जो इंजरी होती है, निम्न में से कौन सी चोट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर मांसपेशियाँ, स्नायु बंधन, कंडरा, कंडरा यानी कि टेंडर और खाल यानी कि स्किन, दूसरा हड्डी और त्वचा, तीसरा हड्डी और दांत, चौथा मांसपेशी और हड्डी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, जो मांसपेशी हो गई, जो स्नायु बंधन हो गया, टेंडर हो गया, खाल हो गई यानी कि स्किन हो गई, इन पर क्या अगर चोट लगती है तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा और ये आपका चैप्टर 9 में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है, चार्ट के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रबंधन में पहला कदम है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से खेल प्रबंधन में पहला कदम कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखिए योजना ऑप्शन ए है, दूसरा नियुक्तिकरण, तीसरा बजट कार्य, चौथा संचालन करने वाला। तो खेल प्रबंधन के लिए
यानी कि खेल जो प्रबंधन, अगर कोई करना चाहता है खेल का प्रबंधन, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा। तो जैसा आपको पता है आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, खेलों में योजना। तो उसमें आपको यही बताया गया है कि खेल का प्रबंधन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ही योजना होता है, प्लानिंग की जाती है। और प्लानिंग के बिना चाहे वो खेल हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, हर कुछ वेस्ट हो जाता है। एक प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ता है, तो यही आपको ध्यान रखना। तो योजना इसका सही हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या है, योजना बना के चलनी पड़ेगी कि इतने दिनों में मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनके जो MCQs हैं मुझे इतने कर लेने हैं हर चैप्टर के। तो ये प्लानिंग आपको स्टार्टिंग से करके ही चलनी होगी। और जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो आपको बता दिया जाए, फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज जो MCQs हैं आपको पहले से प्रोवाइड किए गए हैं हमारे चैनल पर। तो हर चैप्टर के जो MCQs हैं अलग से प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ में मिक्स करके हर चैप्टर को, यानी कि ऑल चैप्टर MCQs भी, उनकी वीडियोस पहले से 3 आपको प्रोवाइड की गई है। और ये नई सीरीज चल रही है 2021 से 2022 की, इसमें भी आपको सारे चैप्टर इंक्लूड करके MCQs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये सीरीज़ नंबर 2 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीकोएगुलेंट वारफरीन के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है और अत्यधिक रक्तस्रावा के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो ऐसा कर सकता है और जो रक्तस्रावा है उसके जोखिम को बढ़ा सकता है। रक्तस्रावा का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो उसके बाद क्या है, आपका खून रुकता नहीं, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो कौन से विटामिन के अंदर ऐसा होता है कि वो रक्त का थक्का जमाता है। तो पहला ऑप्शन विटामिन के, दूसरा विटामिन B12, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन ई। तो विटामिन के जो होता है वह रक्त के थक्के को जमाने में क्या करता है, काम करता है। रक्त का थक्का का मतलब है कि अगर आपको चोट लग जाती है तो आप ये महसूस करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद जो खून निकल रहा था वो क्या है, वहाँ पर जम चुका है। तो रक्त का जो थक्का है उसे जमाने का काम विटामिन के द्वारा होता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो जो रक्त का थक्का है वो नहीं जम पाता और आपका खून निकलता रहता है, बॉडी से ब्लड निकलता रहता है अगर चोट लग गई है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एनीमिया की भी कमी होती है। तो विटामिन के आपका ऑप्शन ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मधुमेह एक डैश है जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर की विशेषता है। तो मधुमेह आपको पता होगा ये क्या होता है, जब शरीर में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तब मधुमेह होता है। पर आपको बता दिया जाए मधुमेह किसके द्वारा होता है, इंसुलिन की कमी के द्वारा भी होता है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो उसके वजह से भी होता है। यानी कि शरीर में जो शुगर है, शर्करा है, अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो भी मधुमेह डायबिटीज़ हो जाती है, और अगर अधिक हो जाती है तो भी क्या है, डायबिटीज़ हो जाती है। अगर कम है तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो क्या करता है, अपने इंजेक्शन लगवाता है। तो वो क्यों लगवाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, अगर उसका जो डायबिटीज, जो उसके जो मधुमेह है अगर कम है तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा के उसे नॉर्मल करवा लेता है। पर जिसकी ज़्यादा होती है उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको चैप्टर 3 में जो जितने भी योग आसन सिखाए गए हैं वो हेल्पफुल रहते हैं जीवन शैली के लिए। अब देखिए यहाँ पर पूछ रखा है, मधुमेह एक डैश है, किस प्रकार का रोग है, एक तरीके से ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन पहला है यहाँ पर रोग जो मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, दूसरा आहार संबंधी मुद्दा, तीसरा चयापचयन विकार, चौथा शारीरिक गतिविधि में कमी। तो जो मधुमेह रोग है वह किस प्रकार का रोग है, चयापचय विकार है, यानी कि जो खाना जो है वो पच नहीं पाता है, पाचन तंत्र संबंधी विकार भी कहा जा सकता है। तो इसे इस कैटेगरी में रखा गया, तो इसलिए इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी के लिए विटामिन और खनिज और प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा संतुलित डैश आवश्यक है। तो एक खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी है, अगर क्योंकि हर खिलाड़ी को चाहे प्रोटीन हुआ, जो संतुलित भोजन है यानी कि बैलेंस डाइट जो है वो आवश्यक होती है, और उसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है आपकी। तो विटामिन होगी, खनिज होगी और प्रोटीन होगी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ क्या है अच्छा संतुलित बिठाएगी। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं हम।
पहला ऑप्शन है हमारे सामने फिटनेस, दूसरा भोजन और पोषण, तीसरा वातावरण और चौथा दिनचर्या और कार्यक्रम। अगर किसी भी खिलाड़ी को प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है उसकी बॉडी को, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर इन चीज़ों की उसे ज़रूरत है उसकी बॉडी को, तो उसे किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? फिटनेस। फिटनेस तो तभी आएगी ना जब आपकी बॉडी में संतुलित आहार होगा, बैलेंस डाइट के द्वारा आप भोजन ग्रहण कर रहे होगे, तभी तो फिटनेस सही होगी। एक तो होते हैं जो नॉर्मली जो पतले रहते हैं, तो उनमें एक तो होते हैं जो पतले होते हैं पर उनके अंदर क्या है, संतुलित आहार नहीं होती है, संतुलित आहार की मात्रा कम होती है, तो वो फिटनेस के अंदर नहीं आएंगे, वो कुपोषित होंगे। पर यहाँ पर फिटनेस की बात की जा रही है तो इसका मतलब है संतुलित आहार के द्वारा और एक्सरसाइज करके क्या है, वो पतले रहते, वो फिट रहते हैं। तो वो फिटनेस कब आएगी? जब आप भोजन और जो पोषण तत्व है उन्हें ग्रहण करेंगे सही मात्रा में। तो इन्हीं के द्वारा क्या है, जो ये विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होंगे, उनकी मात्रा रहेगी शरीर में, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति हो। तो खिलाड़ी को चाहिए इन तत्वों की आवश्यकता है, तो इसलिए उसे संतुलित भोजन यानी कि भोजन और पोषण जो तत्व है वो ग्रहण करने पड़ेंगे। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी विटामिन डैश की कमी के पहले लक्षणों में से एक है। तो आपको पता है रतौंधी कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा होता है रोग, ये हमारा होता है विटामिन ए की कमी से। आपको ध्यान रखना है हर जितने भी विटामिन हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और उससे कौन सा रोग होने का खतरा है अगर वो हमारे शरीर में कम हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से जो है उसका चार्ट बनाया है, ट्रिक बताई है उसमें, और फिर आपको उन ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से उनके जितने भी कहाँ से प्राप्त होते हैं उन्हें याद कर सकते हैं, उनके जो स्रोत हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ से आप जा सकते हैं। तो आप देखिए रतौंधी हमारा विटामिन ए की, रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक आसनीय विकृति है जिसमें पैर अंदर की ओर मुड़ जाते हैं, मुड़े होते हैं और चलते या दौड़ते समय घुटने एक दूसरे से टकराते हैं। तो ये एक आसन विकृति है, जैसे कि आपको पता होगा आपका जो चैप्टर 5 है उसमें आसन संबंधी जितने विकृतियां हैं वो बताई हुई है, साथ में उनका जो इलाज है, जो उपाय है वो भी बताया हुआ है। तो उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आपका चैप्टर 4 है उससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखा जाए तो हर किसी से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर से पूछ लिया और कुछ से छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, हर चैप्टर आपका मैटर करता है। तो आसन संबंधी जो विकृति है, कौन सी विकृति बताई गई है कि जो पैर होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, यानी कि जिन पैरों से आप चलते हैं वो आपके अंदर की तरफ मुड़े होंगे और जब आप दौड़ेंगे तो आपके घुटने आपस में क्या टकराएंगे, मिलेंगे, तो ये कौन सी विकृति थी? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पहला देखिए लोर्डोसिस, दूसरा स्काइलोसिस, तीसरा कफोसिस, चौथा जेनुवेलकम। जेनुवेलकम को घुटने संबंधी विकृति भी कहा जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो कफोसिस कौन सी थी? कूबड़ पीछे की ओर जब होता है तो उसे कफोसिस कहा जाता है। स्कोलोसिस जो थी वो कौन सी थी? इसमें जो है एस के प्रकार की रीढ़ की हड्डी बन जाती है, तो इस तरफ बनेगी या फिर इस तरफ बनेगी। लोर्डोसिस कौन सा था? तो कूबड़ आगे की ओर, पर यहाँ पर हमसे पूछ रखा जब पैर आपस में, पैर जो होते हैं वो अंदर की तरफ हो जाते हैं, घुटने टकराते हैं दौड़ते समय चलते समय, तो ये आपके घुटने संबंधी विकृति है और इसका दूसरा नाम है जेनुवेलकम। तो फोर्थ वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण हो सकता है सिवाय, यानी कि कहा जाता है कि जो मोटापा है वह हर रोग उसी से शुरू होता है, बड़ा खतरनाक बताया जाता है मोटापा। तो मोटापा ये बता रखा है यहाँ पर कि जो मोटापा है वो हर रोग हो सकता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हर बीमारी हो सकती है, पर इसमें से एक ऐसी बीमारी है जो मोटापे के कारण नहीं होती है, वो कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर जो कैंसर है वही क्या है, मोटापे के कारण नहीं होता है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे मोटापे के कारण होते हैं। इस्केमिक हृदय रोग जो होता है, यानी कि जो हृदय रोग होता है, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है वो भी मोटापे के कारण होती है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसका कारण कहीं ना कहीं मोटापा होता है, सही प्रकार का खान पान नहीं होता तभी तो मोटापा होता है, और मोटापा होता है तो मधुमेह जो है वो अपने आप आ ही जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस होगा यहाँ पर ये, तो पुरानी जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखा जाता है और ये भी मोटापे का कारण भी होता है। तो यहाँ पर जो कैंसर है वही क्या, मोटापे का कारण नहीं होता, तो इसलिए इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस जोड़ में बोल और सॉकेट
प्रकार का जोड़ होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा जोड़ है, यानी कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसमें बॉल और सॉकेट होता है? पहला ऑप्शन घुटना, दूसरा ऑप्शन टखने, तीसरा कंधा और चौथा कोहनी। आपको अगर अच्छे से याद हो तो हमने जो ये बात कवर भी की थी अपने चैप्टर 9 में, उसमें बताया गया है कि जो जॉइंट्स हैं, किन जॉइंट्स में जो कंधे होते हैं, जो शोल्डर होते हैं, उनमें क्या होता है, जो सॉकेट और जो बॉल है वो पाया जाता है, सॉकेट और बॉल खिसक जाते हैं, तभी क्या होते हैं, जो कंधे होते हैं हमारे, उनके जॉइंट्स आपस से अलग हो जाते हैं, तो वो कंधे संबंधी रोग है। तो यहाँ पर कंधे में पाया जाता है, थर्ड वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश शरीर की मध्य रेखा से दूर एक गति है, यह जंपिंग जैक की गति के दौरान कुल्हे और कंधे के जोड़ों में होता है। तो देखिए यहाँ पर डैश हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जिससे क्या होता है, जो शरीर की मध्य रेखा होती है उससे वह दूर हो जाता है। एबडक्शन, जो एबडक्शन होता है ये कौन सा है, ये हमारे गतिविधि के प्रकार के अंतर्गत आता है, यानी कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है उसके अंदर आता है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, जो शरीर की मध्य रेखा है वह क्या होती है, वो दूर हो जाती है। और ये किसके द्वारा, अगर मान लीजिए कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, तो पहले मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आप क्या करें, जंपिंग जैक करें, या फिर आपको कहा जाए कि अपने हाथों को आप ऊपर, मतलब कि आपको पनिशमेंट मिलती है, तो आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि अपने हाथों को ऊपर खड़ा करके खड़े हो जाइए। तो ये भी क्या है, ये पोजिशन भी एबडक्शन के अंतर्गत आती है। तो जंपिंग जैक के अंदर क्या होता है, आप अपने हाथों को अपने शरीर से दूर कर रहे हैं, मध्य रेखा से दूर कर रहे हैं, तो एबडक्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तीव्र स्ट्रेचिंग विधि आपके शरीर को धक्का देने के लिए उछालती हुई गतिविधि का उपयोग करती है? गति की अपनी सामान्य सीमा से परे, यानी कि जो गति, नॉर्मल गति जो होती है उससे अलग, यानी कि जो तेजी से स्ट्रेचिंग की विधि है, ये आपकी लचक की विधि आपसे पूछी गई है। लचक में क्या होता है, स्ट्रेचिंग करवाई जाती है बॉडी से। तो जो स्ट्रेचिंग की विधि है वो कौन सी है इनमें से, जिसमें क्या शरीर को धक्का लगाकर उसे उछाला जाता है, उसे गतिविधि करवाई जाती है, स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। तो ऑप्शन पहला धीमी विधि, दूसरा बैलिस्टिक विधि, तीसरा विश्राम विधि और चौथा स्लो स्ट्रेचिंग और होल्डिंग मेथड। तो जो बैलिस्टिक विधि है उसमें क्या होता है, ऐसा होता है बैलिस्टिक विधि में खिंचाव वाले, स्ट्रेचिंग वाले जितने भी व्यायाम होते हैं वो करवाए जाते हैं, तो सेकेंड वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मॉडल के तहत विशेष आवश्यकता वाले छात्र अपना अधिकांश या पूरा समय गैर विकलांग छात्रों के साथ बिताते हैं? तो आपको अगर ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या आपका सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो था, सीबीएसई के द्वारा जो ये क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र है वो अपना अब वो गैर विकलांग छात्रों के साथ क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ समय बिता, एक साथ रहते हैं, तो वो कौन सा मॉडल है जिसके साथ ऐसा हो सकता है? तो पहला बहिष्करण, दूसरा एकीकरण, तीसरा मैन में ट्रिमिंग और चौथा समावेश। तो जो समावेश का जो मॉडल है उसमें ऐसा होता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो गैर विकलांग जो छात्र हैं उनके साथ रह सकते हैं। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में भी आपके सारे के सारे MCQs हैं, इंक्लूड हैं। अगर नहीं करें हैं तो वहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि CBSE ने उन्हें रिलीज़ किया है, तो CBSE उनमें से तो क्वेश्चन आपको देगी ही एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ बीच में गैप आ गया है, इसे कट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, राउंड रोबिन प्रतियोगिता, जो राउंड रोबिन प्रतियोगिता है उसमें डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र। आपको पता हो राउंड रोबिन जो प्रतियोगिता है उसे लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। तो डबल लीग जो दो प्रकार की लीग टूर्नामेंट होती है, तो जो डबल लीग टूर्नामेंट है उसमें कुल मैच निकालने की जो संख्या है उसका फॉर्मूला हमसे पूछ रखा है, तो वो कौन सा है देखते हैं। पहला ऑप्शन है N-2/2, यहाँ पर सी लिख दिया है, पर यहाँ पर बी कर लीजिए और यहाँ पर बी को सी कर लीजिए। बी वाला देखिए, N(N+1)। सी है यहाँ पर N(N-1)। डी है N+2/2। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, N(N-1) जो है उसके द्वारा डबल लीग टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकाली जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आपको इस वीडियो में एक होमवर्क दिया जा रहा है, आपका होमवर्क है कि आपको बताना है ये वाला क्वेश्चन,
तो आप होमवर्क डाल के इसका सही ऑप्शन आप मुझे बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसे बताया जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए पहला है आप यहाँ पे क्वेश्चन है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा जो आप पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, उसका उद्देश्य पूछ रखा है। तो इनमें से कौन सा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर सभी के लिए मनोरंजन, दूसरा न्यूरोमस्कुलर दक्षता का विकास, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक विकास और चौथा है बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपको एक काम करना है HW करके आपको क्या करना है, जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पर लिख देना है कमेंट बॉक्स में। आपका जो सही आंसर है वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कमेंट में और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो आपको जैसे पता है इसी दिन हम और इसी टाइम पर क्या है ये फिजिकल एजुकेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।